1984 में प्रचंड बहुमत के साथ राजीव गांधी ने सरकार बनाई, लेकिन उनके शासनकाल के दो सालों ने पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति को औपचारिक आधार दे दिया। 1985 का शाहबानो केस इसकी शुरुआत है। इंदौर निवासी शाहबानो ने जब अपने पति से कानूनी तौर पर तलाक के बाद एलिमोनी की मांग की तो उनके पति ने इस्लामिक कानून का वास्ता दिया। भाइयों, वैसे तो इस मामले पर केंद्र सरकार को दखल देना ही नहीं चाहिए था, कोई जरूरत भी नहीं थी। राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बिल पास करवा के निरस्त कर दिया। जब सरकार के मुस्लिम प्रेम पर हिंदुओं ने नाराजगी जताई तो उन्हें खुश करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर पर लगे ताले को खुलवाने में राजीव गांधी सरकार ने पर्दे के पीछे से काम करना शुरू कर दिया। और इन दो फैसलों ने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की तुष्टीकरण वाली राजनीति को ऐसी हवा दी जो दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई और आने वाले समय में मंदिर को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना गई। 1990 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर में रथ यात्रा निकाली तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे प्रधानमंत्री वीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से चिंता होने लगी। अपने पॉलिटिकल करियर को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने 1979 में बने मंडल आयोग के ओबीसी आरक्षण की सिफारिशों को लागू कर दिया। नतीजा, देश में 74 के बाद एक बार फिर बड़ा छात्र आंदोलन, स्टूडेंट मूवमेंट, एजिटेशन खड़ा हुआ। आरक्षण तो भारत की रियलिटी बन गया, वास्तविकता बन गया, पर वीपी सिंह साहब की कुर्सी चली गई। '91 की रात एक बहुत ही बुरी खबर मिली, राजीव गांधी चले गए। राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। मैं पीवी नरसिम्हा राव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश की आर्थिक हालत सुधारना। इस काम के लिए उन्होंने चुना मनमोहन सिंह को। माइंड ब्रेन देखिए आप पीवी नरसिम्हा राव का। 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने जो बजट प्रस्तुत किया उसने देश की अर्थव्यवस्था में एक नया मोड़ लिया, नई जान फूंक दी। 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण देश में कारोबार करना आसान हो गया और रोजगार के भी नए अवसर तैयार हुए। ये आर्थिक सुधारों का ही श्रेय है कि कभी सोना गिरवी रखने वाला देश आज विश्व में एक सुपर पावर की पहचान पाने वाला देश है। कभी दो सीट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1996 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री। सहयोगियों के समर्थन ना जुटा पाने के कारण ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई और मात्र 13 दिन में गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनकर 1998 में 1998 में फिर से वापस आए और इसी साल भारत में बुद्धा स्माइल अगेन। बुद्धा हैड स्माइल्ड इन 1974 फॉर द फर्स्ट टाइम और अब भारत ने पोखरण में एक बार फिर परमाणु शक्ति का सफल परीक्षण किया और वो भी पूर्ण गोपनीयता के साथ, फुल कॉन्फिडेंशियलिटी।
एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा संचालित इस परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिका और रूस जैसे देशों को भनक तक नहीं लगी, लेकिन सामरिक तौर पर सक्षम देश बनने की दिशा में भारत का यह कदम बहुत निर्णायक साबित हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 1999 फरवरी में पाकिस्तान के लाहौर तक अमृतसर से एक बस यात्रा भी संपन्न की। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन ये दोस्ती, ये मिठास पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की आंखों को शायद बहुत चुभ गई। मई 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों को घुसपैठिया बनाकर भेजा, तो शुरुआत हुई कारगिल वॉर। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे भारत माता के पुत्रों ने और शूरवीरों का कमाल था कि भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारा और 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की। पाकिस्तान हार गया। इस युद्ध में हार के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा छिपकर और आतंकवाद की आड़ में वार किया और वो वार जारी है और करते रहेंगे। भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि शायद कारगिल में हारने के बाद वो समझ गए थे कि हिंदुस्तानी जवान के लिए तिरंगे की शान जान से बढ़कर है। इक्कीसवीं सदी की शुरुआत के साथ ही भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी, सीमा की सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला। दूसरी तरफ तेजी से हो रहे वैश्विक विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुश करना, गति देना, लिहाजा वाजपेयी सरकार ने कई आर्थिक मोर्चों पर एक साथ कार्यवाही शुरू की। 1995 में देश में शुरू की गई मोबाइल सेवा को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भाई साहब, आज बिना नेट कनेक्टिविटी के मोबाइल की हम कल्पना तक नहीं कर सकते। वाजपेयी सरकार ने इसे हकीकत बनाने के लिए सभी अड़चनों को दूर किया। फोन से देश को जोड़ने के बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से भारत के कोने कोने को जोड़ा गया। इतनी तेजी से हाईवेज का निर्माण पहले कभी नहीं हुआ था भारत में। भारत में तरक्की के नए सूरज की चमक पड़ रही थी और शायद इसीलिए एनडीए सरकार ने नारा दिया, इंडिया शाइनिंग। पर कहते हैं, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। एनडीए सरकार की उम्मीदों के खिलाफ विपरीत 2004 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, मगर उसके बाद उठ गया सवाल, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी। जब फैसले की घड़ी आई, टुडे दैट वॉइस टेल्स मी आई मस्ट हंबली डिक्लाइन दिस पोस्ट। प्रधानमंत्री पद के लिए खुद की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ा। सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि बाकी पार्टी उनके विदेशी मूल के मुद्दे को एक बार फिर से उछाले तूल दे, और वैसे भी कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, यह गठबंधन की सरकार थी। इसलिए मनमोहन सरकार दो ऐसे एक्ट लेकर आई जिसने जनता को पहले से ज्यादा सशक्त बना दिया। RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और मनरेगा एक्ट। RTI के जरिए अब कोई भी सरकार से सवाल पूछ सकता है
और मनरेगा ने समाज के सबसे वंचित वर्ग को काम के साथ साथ आमदनी का भी जरिया मुहैया करवा दिया। मनमोहन सरकार के पहले कुछ सालों में देश ने काफी कुछ नया देखा, लेकिन 2008 में देश ने कुछ ऐसा देखा जिसकी चमक के लिए भारत कई सालों से इंतजार कर रहा है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। नवंबर 2008 उस दिन को हथियारों से लैस 10 आतंकवादियों ने मुंबई में दिल दहलाने वाली आतंकी वारदात को अंजाम दिया। समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आए इन टेररिस्ट ने मुंबई की सड़कों पे कैफे, रेलवे स्टेशन और ताज होटल में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी। कुर्बानियां हमने भी बहुत दी। आतंकी अजमल कसाब को सुरक्षा बलों ने जिंदा गिरफ्तार किया था। उसे पूरी कोर्ट की कार्रवाई के बाद पुणे के येरवडा जेल में फांसी दे दी गई। पाकिस्तान ने भारत के स्वाभिमान को ललकारा था, मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खून की होली खेली थी। देश उबल रहा था, अश्क आंखों में कब नहीं आता, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। आंखें सुर्ख लाल थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने बयानबाजी तो बहुत की पर कोई कार्रवाई नहीं की। यूपीए ने 2009 का चुनाव जीता और टीकाकारों ने, स्पेशलिस्ट ने इसे किसानों के लिए कर्ज माफी के ऐलान का उपहार माना। जीत का हौसला था और 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम का एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया। लेकिन शोहरत के ये पल यूपीए सरकार के लिए मोमेंट्री रह गए। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। 2G स्कीम ने भी सुर्खियां बटोर डाली, जिसके कारण सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इन सब का असर यह हुआ कि 2011 में जनता का रोष एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में तब्दील हुआ। अप्रैल 2011 को समाज सेवी अन्ना हजारे और उनके साथियों ने अनशन कर दिया जंतर मंतर दिल्ली में, और इस आंदोलन ने इस माध्यम के जरिए, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे देश में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी थी। पर सरकार ने इस आंदोलन को इग्नोर किया, नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जनता ने ठान लिया था कि यूपीए सरकार को सबक सिखाना है, और ऐसे में देश को उम्मीद दिखी एक शख्स में, ओनली वन मैन। नाम नरेंद्र दामोदर दास। एक तरफ ऐसी सरकार थी जो कुछ भी बोलने से कतराती थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स आया जिसे सुनने के लिए लोग खींचे चले आते थे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मोदी सरकार का नारा कुछ ऐसा गूंजा, दिलों को ऐसे जोड़ गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। और भारतीय लोकतंत्र का कमाल देखिए कि गुजरात के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बालक नरेंद्र बन गया देश का प्रधानमंत्री। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अलग श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, न्यू डायमेंशन दिया पूरे इंडिया को। पहले इमिग्रेशन के दौरान बेकार के सवाल पूछने वाले विदेशी अधिकारी आज मुस्कुराकर पासपोर्ट पर मोहर लगाते हैं, ठक अप्रूव्ड, और कहते हैं इंडिया इज ग्रेट, वी लव इंडिया। भारत की कहानी, इंडिया की कहानी जारी रहेगी, इंडिया भी जारी रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बैठे रहिएगा, बने रहिएगा, सलामत रहिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, दिल्ली रहिएगा या अहमदाबाद रहिएगा। ब्रेक के बाद बताऊंगा नरेंद्र मोदी के वो